ये फिर इसका हम हमारा ऑलरेडी हो चुका है रिकॉर्ड गाया है, एक किन्नर वॉइस में गाया है उन्होंने। जिसके डायरेक्टर म्यूजिक अजय शंकर जी है म्यूजिक डायरेक्टर, और ये किलोरी सॉन्ग है जो ऋषि शर्मा जी गा रहे हैं। ब्रीड है, और ब्रीड का मीन्स होता है नस्ल, और नस्ल का मतलब आप जानते हैं कि इंसान जानवर दोनों की नस्ल होती है, लेकिन जब इंसान इंसान के साथ यूज करता है उसके मायने बदलता है। तो ये मेरा सब्जेक्ट इसी के मैं इसमें एक्टिंग कर रही हूँ सब कुछ तो मैं ही हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये लीड के हटके इसलिए क्योंकि देखिए ऐसे सब्जेक्टों का कोई ग्रेड नहीं होता, ABC ग्रेड कोई ग्रेड नहीं होता। ये एक समाज के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है कि आजकल बहुत सारी फिल्में आ रही है, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद में ट्रांसजेंडर को पूरा खुल के और पूरा उसको शो करके जो मतलब दिखाता है उसकी ज़िंदगी की जो रियल में जो उसकी अंदर की औरत होती है, तो उस औरत को हमने ब्रीड के जरिए महसूस कराया है कि उसकी माँ बनने की जो क्षमता होती है वो पूरी नहीं होती है, उसको ज़िंदगी से प्यार होता है वो पूरा नहीं होता है, तो उसके कैसा उसकी मानसिक दौर से उससे गुजर। हाँ जी फिल्म में हमने ऐसे लोगों को भी दिखाया है जिसको लड़ाई करते हुए दिखाया है कि भगवान ने आपको पैसा कमाने के लिए वो हमने बहुत बड़ा मैजिक के ऐसे लोगों पे ये किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अपने आप को ये हाँ हाँ एक मॉडर्न नाम हाँ या उसके बारे में क्या डेफिनेशन मतलब हिजड़ा कहना बहुत ही बुरा हुआ। हाँ एक मतलब किसी को हिजड़ा कहना एक किस्म की गाली सा महसूस होता है, लेकिन हमारे जो 377 जब पास हुआ है आप तो ये पूरा अच्छी तरह से कंफर्म हो गया है, सेम अधिकार में हो गया है। आप देखेंगे कि आपको वोटिंग में भी लिंग है पुलिंग है कि जगह अदर्स लिखा जाता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि लोगों की मैंटेलिटी बदलनी चाहिए आप ये सोच को, क्योंकि आप बहुत फोन कंट्री में चले जाइए, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया कैलिफोर्निया बहुत सारे लोग हैं जो इतना रिस्पेक्टली वो लेते हैं उस चीज़ को, और कभी इस तरह से हिजड़ा जो शब्द होता है एक गाली सा होता है कि लोगों जब बोलते हैं तो एक गाली सा होता है। तो मेरी समाज से यही है कि आप उनको इस वर्ड से ना संबोधित करें, आप उसको जो उसका एक नाम है जो उसके माँ बाप ने उसके लिए नाम दिया है उस नाम को फॉलो करते हुए उसको उसी से संबोधित करें ताकि उसकी आत्मा भी खुश हो और सामने वाले को भी अच्छा लगे। आज से 20 साल 25 साल पहले एक मूवी आई थी दरमियान। हाँ जी हाँ मैंने देखी है फिल्म मैंने देखी है दरमियान। दरमियान के बारे में बात करें हाँ उन दिनों में दरमियान का अवार्ड भी मिले। हाँ जी हाँ जी वो इस दुनिया में नहीं है अभी। हाँ जी जिसने उनको बनाया था हाँ मतलब कहीं ना कहीं स्टोरी उससे मैच करती है। हाँ नहीं नहीं उससे बिल्कुल मैच नहीं करती, मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, ये सिर्फ एक ट्रांसजेंडर की स्टोरी है जिसके हमने मनोदशा को मतलब सामने दिखाया है, उसके नारीत्व को दिखाया है और उसके क्या बात है उसके जो प्रेम को दिखाया है हमने, ये बहुत सारी चीज़ें हमने इस सब्जेक्ट में दिखाई है। तो ये जो सब्जेक्ट है ब्रीड ये किसी से मैच नहीं करता है, ये अलग से ही 2021 की एक बहुत अच्छी स्टोरी है। देखिए रिलीज़ करना वो करना ये तो सब भगवान के ऊपर है, मेरी एक अच्छी सोच और एक अच्छी भावना और एक होनेस्टली से मैंने ये फिल्म बनाई है, और मैं खुद चाहती हूँ कि इसको समाज का हर वर्ग देखे, हर वर्ग इसकी सराहना करे और समाज में एक ट्रांसजेंडर को या गे है अपनी फैमिली में उसको सपोर्ट मिले क्योंकि वो सहारा बन सकता है किसी। मेरे इसमें साथ में है मेरी ये पूरी स्टार कास्ट है नहीं है स्टार कास्ट और इसमें हमारे कई जो जो अदर साइड से जैसे कोरियोग्राफर हबीबा रहमान जी है मेरी गुरु हैं वो, और जावेद अली जी ने गाना गाया है, अभी ऋचा शर्मा जी गा रही हैं, नेक्स्ट शायद एक दो सिंगर जो बड़े हैं मार्केट के वो लोग गाना गा रहे हैं, गाने की मतलब फिल्म की गाने की सिचुएशन के हिसाब से।
और पुष्पा वर्मा जी है जो है एक्ट्रेस हैं वो है, बाकी सारी पूरी न्यू स्टार कास्ट के साथ में ये प्रोजेक्ट सामने आ रहा है। सर पहली बार ऐसा होगा एक किनर एक फिल्म का प्रोड्यूस कर रहा है, पहली बार पहले तो ये सबसे मेन बात होती है कि मुझे पता कि ये सब्जेक्ट बनाने में मुझे बहुत तकलीफ़ और बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और ये सिलसिला अभी तक जारी है, बहुत रोज़ का टूटना रोज़ का जुड़ना, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत प्रॉब्लम का सामना करके मैं इस सब्जेक्ट को समझ रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। मैं कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं, कई बार होता है कि जैसे मैंने अपने मेरे अपने पर्सनल जेवर बेच दिए मैंने इसी तरह, एक मेरे ब्रो हैं मेरे भाई हैं शिवेंद्र जी, उन्होंने इतना बड़ा सपोर्ट किया मुझे, लक्ष्मी डी शाह है जो एक मैं उनको माँ मानता हूँ, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत लोग धीरे धीरे पैसों से अपनी ज्वेलरी बेच रहे हैं उस चीज़ कर रहे हैं, बहुत वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लक्ष्मी जो मील का पत्थर है, लक्ष्मी के नाम लक्ष्मी यूएस से लेकर कोई ऐसी कंट्री नहीं जाते आप लोगों के साथ नहीं पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे मतलब किस चीज़ के लिए अगर बड़ी हो लक्ष्मी जो है वो पढ़ी लिखी है नहीं, मैं लक्ष्मी जी उनका बहुत है कि उन्होंने खुल के इस समाज के अंदर अपनी एक पोजीशन बनाई है, एक वो समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है और उन्होंने जिस तरह से अपनी पहचान बनाती जान लग रही है, तो मुझे बहुत गर्व है उनके ऊपर कि इस कम्युनिटी के लिए और लक्ष्मी जी के लिए उनके बहुत मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ।